स्मृति दिवस के मौके पर अग्निशमन सेवा रैली को जिले के तेतर्रार SSP संजय कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें कि सन 1944 में अग्निशमन सेवा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को SSP संजय कुमार वर्मा ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। SSP ने बताया कि सन 1944 में मुंबई में एक बड़ी आग की घटना हुई थी जिसमें काफ़ी जनहानि हुई थी और 1300 लोगों की जान चली गई थी और अग्निशमन सेवा के 66 हमारे लोग शहीद हो गए थे। उसी के उपलक्ष्य में अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है और हम जागरूकता के रूप में लेते हैं, फैक्ट्रियां, सिनेमा हॉल, कंपनियों, उद्योगों में लोगों को अग्निशमन की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी उसे बनाना चाहिए। गर्मी के दिनों में जब आग लगती है तो जनहानि के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। गेहूँ की फसल की कटाई को देखते हुए फायर स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है जिससे कि फसलों का नुकसान ना हो। 7 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर SSP संजय कुमार वर्मा, SSP ग्रामीण सतपाल सिंह। वर्ष 1944 में मुंबई में एक बड़ी आग की दुर्घटना हो गई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, 1300 लोग मारे गए थे और 66 हमारे जो अग्निशमन सेवा के कर्मी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये स्मृति दिवस फायर सर्विस अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। और सही बात तो ये है कि हम इसकी जागरूकता के रूप में लेते हैं कि कितने लोग जागरूक हैं। आग के जो संसाधन होते हैं जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनीज होती हैं, सिनेमा हॉल होते हैं या बड़े बड़े ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर अग्निशमन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तभी वो बनाना चाहिए, चाहे मॉल हो। देखेंगे बाल्टी रखी रहती है, उसमें पानी रखा रहता है, उसमें बालू रखा रहता है और अग्निशमन जो छोटे छोटे सेंटर आते हैं गाड़ियों भी रखे रहते हैं आजकल। ये जागरूकता इससे फैलानी है कि कम से कम गर्मी के दिनों में जब आग लगती है तो काफ़ी जनहानि या बहुत ही नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का संपत्ति की हानि हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए जो जो उपाय होते हैं वो इस दौरान सिखाया जाता है और लोग ताकि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी आग लग जाती है, अपने घरों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे रहते हैं उससे भी आग लग जाती है कभी कभी, तो उससे अगर मान ली हो भी ये घटना तो कैसे बचाया जा सके। इसी के उपलक्ष्य में ये रैली भी निकाली गई है आपके सामने और साथ ही साथ ये जो है क्या कहते हैं इसको बनाया भी जा रहा है आज और जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। यही इसका उद्देश्य था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और लोगों का जीवन बचा सके, संपत्ति बचा सके। ये कोई बड़ी आग लग जाती जैसे चक्कर नगर में लग गई थी, अभी बसरेहर में लगी थी, हम सारी गाड़ियां जनपद की वहां रवाना कर दिए थे और जल्दी से जल्दी आग पर कंट्रोल किया था। लेकिन जितना समय लग जाता है पहुंचने में उतना तो निश्चित तौर से आग चूँकि बहुत जल्दी बर्बाद करती है, पशुओं की हानि हो जाती है, जनहानि हो जाती है और प्रॉपर्टी की हानि बहुत हो जाती है, तो कम से कम प्रॉपर्टी की हानि तो वापस ले जा सकती है, जान वापस नहीं जा सकती है। तो मूल उद्देश्य था पहले जान बचाया जाना, किसी पशु का हो मानव का है उसकी जान पहले बचाई जाए, बाकी चीज़ें तो वापस आ जाती हैं लेकिन मानव की जान वापस नहीं आती है। तो पहली प्राथमिकता जो हमारी होती है जान बचाने की होती है, तो जान बचाना पहला लक्ष्य है, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का लक्ष्य आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी जो हमारे अग्निशमन कर्मी हैं पूरे मनोयोग से पूरे तन मन धन के साथ लग करके, आप देखेंगे कई बार छतों पर चढ़ चढ़ के जो है कि सीढ़ियों से चढ़ के जो है आग बुझाते हैं, अपने जान पर रिस्क लेकर के कई लोगों को बचाते हैं। तो निश्चित तौर से इनकी डेडिकेशन डिवोशन की तारीफ की जानी चाहिए। बाकी हमारा उद्देश्य वही रहता है कि जल्दी से जल्दी और फसलों का नुकसान ना हो और जान की हिफाजत हो और फसलों का भी और जो भी प्रॉपर्टी है उसका हम हिफाजत कर सकें। सर, देखने में आया कि इस तरह अब जो नया सेमेस्टर शुरू हो रहा, पढ़ाई शुरू हो रही है, तो ऐसे में कोचिंग सेंटर पे छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पे फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते, अगर कोई हादसा होता है उसके लिए क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? अभियान चलाए बिल्कुल, इसीलिए अभियान चल रहा है और जो हमारा 7 दिन का ये अभियान रहेगा उसमें ये सब बातें चेक की जाएंगी और विभिन्न प्रकार के जो होटल हैं, ढाबा हैं, जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, मॉल्स हैं या बड़े अस्पताल हैं, वहां भी चेक किया जाता है कि ऐसी आग लगने पर वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। बाकी अपडेट भी किया जाता है ताकि अग्निशमन सेवा का जो 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 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आग भी लग जाए और वो सामान रखा है लेकिन वो काम नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है, तो उसको चेक करने का भी मैंने निर्देश जारी कर दिया है। और बाकी इस तरह के सिस्टम को हम एक्टिवेट भी करेंगे, जागरूकता भी फैलाएंगे ताकि कम से कम जो है हानि हो और साथ ही साथ लोगों की जान और प्रॉपर्टी बचाई जा सके।